सावन का सोमवार चल रहा है और हम आ गए यहाँ के बहुत ही फेमस बद्रीनाथ मंदिर शिव जी का दर्शन करने, और यहाँ से जल और दूध ले रहे हैं। और वो सामने मंदिर दिख रहा है, वहाँ दर्शन करने जाना है। और हम हर मंडे यहाँ पे आते हैं और इतनी भीड़ नहीं रहती, जब से सावन शुरू हुआ है काफ़ी मेला टाइप माहौल बना हुआ है। ये देखिए जबरदस्त भीड़, मज़ा आ गया। में तिल, काला तिल और शहद डाल देंगे, और जल में जो है वो बेलपत्र, और ये मुझे लग रहा है भांग का पत्ता है, ये मिक्स किया जाएगा। राज पंडित जी ने हमें दो पात्र में जल चढ़ाने को बोला है, एक में दूध रहेगा और एक में जल रहेगा, उनके हिसाब से व्यवस्था कर रहे हैं वो। तो दोनों हाथ में एक एक पात्र लेके जाना पड़ेगा हमें मंदिर में। ओम नमः शिवाय। और अनूप इस समय जल चढ़ा रहा है प्रभु को। पूरा भक्ति में माहौल बना हुआ है, चारों तरफ पूजा पाठ हो रहा है। अंदर दर्शन करने के बाद श्री रामचंद्र, अनूप इस जगह का क्या स्टोरी था? यहाँ पे मतलब एक दांपत्य और अच्छा, ओके, बहुत पुरानी मान्यता है यहाँ पे, किसी गाड़ी से लूट करने आए हुए थे तो उनका गाड़ी का पहिया यहीं पे फंस गया। चंदन ठंडा होता है और उसका तिलक लगाने से दिमाग में जाने वाली तीनों नाड़ियाँ वो भी ठंडी होती हैं, जैसा कि मैंने साइंटिफिकली सुना हुआ है, और उससे दिमाग जो है शांत रहता है हमेशा। नहीं, हम शेर छू लिए थे, ये नहीं छू पाएंगे। सुबह सुबह नाग देवता का दर्शन हो गया है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ शिवलिंग का, और काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप ऐसे हफ्ते में एक बार किसी धार्मिक जगहों पर जाएं, बड़ी शांति सी फील होती है। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से सीधा निकलेंगे कर्मस्थल बीटेक चाय वाला पे। ये उस दिन के प्लांट्स और दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे पहुंच चुके हैं बीटेक चाय वाला। और यहाँ पे आकाश, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? बस ये काम करते करते लग गई थी भूख, और अपने लिए बनवाया देसी घी में पनीर फ्राइड राइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हो गए शाम का टाइम, मुझे मिल गया अपना हथियार, जिससे मैं ये देखिए बागवानी कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी देने के बाद थोड़ा इनके जड़ों को ओपन कर दिया जाता है ताकि आवाज कर तो काट छाट के सेट कर दिया है, अभी इतना से टूबा नहीं है। पत्थर जैसा हो गया है ना।
फाइनली क्लोजिंग टाइम हो गया है। मेरे तमाम बस्ती के यूट्यूब नए नए यूट्यूब भाइयों से है कहना, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप डायरेक्ट गीतिक चाय वाले पे आइए और उनको अच्छी सलाह जितना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इतना काम कर पाऊँ, बट मैंने पिछले 7 साल से बहुत अच्छा यूट्यूब के बारे में नॉलेज गेन कर रखा है, तो आपको ज़रूर अच्छे से गाइड करेंगे क्योंकि अगर आपका प्लान है कि फुल टाइम आप यूट्यूब पर अपना वीडियोज़ बनाना चाहते हो तो आप ज़रूर आइए अगर यहाँ से हैं, उसके बाद फिर आपको मैं अच्छी अच्छी सलाह देता हूँ। इसी के साथ वापस जाते हुए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर अंकित। तो मैं अंकित के साथ थोड़ा सा घूमने जा रहा हूँ और अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिलहाल 11 बज रहे हैं, तो अभी 1 घंटे बाद अनूप को भी उठाएंगे। और ये देखिए हमारा छोटू पेड़ों को पानी देता हुआ, ऐसे काम करते रहे लड़के तो बहुत मज़ा आता है। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं नए अपडेट के साथ। गुड नाइट।